और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नए संसद भवन का पीएम मोदी 28 मई को उद्घाटन करने वाले हैं। उससे पहले ही राजनीति गर्म है। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाए जाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति को शुभारंभ करना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री। तो जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं वही मांग आरजेडी भी कर रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा का क्या कहना है सुनवाते हैं आपको। उद्घाटन कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक तो यही गलत, महामहिम को करना चाहिए था ना उद्घाटन। ये प्रधानमंत्री जी क्या परंपरा शुरू कर रहे हैं? 10,000 नौकरी भी देंगे तो अपने ही हाथ से देंगे। जो काम लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता था शौचालयों का, अब वो भी इनॉग्रेशन आप ही करेंगे। पुरानी ट्रेन का रूट बदला तो वो भी झंडा आप दिखाएंगे। महत्वपूर्ण ये है देखना कि प्रोटोकॉल मेरे हिसाब से उल्लंघन है। महामहिम को करना चाहिए था लेकिन प्रधानमंत्री जी मानेंगे नहीं। तो प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। प्रशांत, शुभारंभ कौन करेगा, फीता कौन काटेगा, इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, मनोज झा बयान देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मनोज झा ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो होती है वो दोनों सदनों की सभा होती है, लिहाजा राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन केवल यही विवाद नहीं है, इसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर के सांसद है सुखेंदु शेखर रॉय, उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि 28 मई जो कि वीर सावरकर की जयंती है, उस दिन वीर सावरकर का जन्मदिन है, उस दिन संसद का उद्घाटन क्यों करवाया जा रहा है। उनकी ये मांग थी कि इसका उद्घाटन 26 नवंबर को किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन 1949 में 26 नवंबर को जो संविधान है वो अंगीकार किया गया। तो संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बिल्कुल राजनीति शुरू हो गई है। जब से ये फैसला सुनाया गया, जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, तो देखना होगा कि ये सियासत क्या मोड़ लेती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रशांत। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।